कोरोना संकट के बीच सरकार मजदूरों के लिए राहत पहुंचा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कोरोना को दावत देने के लिए तुले हुए हैं। हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली के तिलक नगर से आई है, जहां एक शेल्टर होम से 40 मजदूर भाग गए। ये तस्वीर परेशान करने वाली है, कैसे मजदूर गेट और दीवार के ऊपर से कूद कर शेल्टर होम से भाग रहे हैं। इस शेल्टर होम में 56 मजदूरों को रखा गया था। कल्लू नाम के एक शख्स ने इन्हें भागने के लिए भड़काया, जिसके बाद वहां से 40 मजदूर भाग निकले। तिलक नगर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में इन मजदूरों को रखा गया था, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल का गेट अंदर से बंद है और पीछे से गेट को जोर जोर से मारकर इसका ताला तोड़ा जा रहा है। संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये मजदूर क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जिस तरीके से ये 56 जो लोग थे, जो कि सड़कों पर जो लोग मिलते हैं पुलिस को, तो उनको बकायदा रोका जाता है, रोककर उनकी व्यवस्था जो है एक शेल्टर होम के अंदर की जाती है। तो पहले ये जो है, ये जो लोग थे, ये 56 लोग हैं, ये पंजाबी बाग में शेल्टर होम है, वहां पर इनको रखा गया था। उसके बाद ये चांद नगर है, बिल्कुल तिलक नगर के पास में, वहां पर एक सर्वोदय कन्या विद्यालय है, वहां पर इन लोगों को लेकर आया गया था बस के जरिए। लेकिन जब अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं, अंदर ताला लग जाता है, तो उसके बाद जो कल्लू नाम का एक शख्स है, वो न्यूज संस्था चलाता है और सबको भड़काता है। उसके बाद ये लोग कूदना शुरू हो जाता है, बाहर से ताला तोड़ते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि 17 लोगों को तुरंत पकड़ लिया गया था और 12 लोगों को पुलिस, जब ये लोग घूम रहे थे बाहर सड़क पर, उनको वापस पुलिस ले जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में केस रजिस्टर कर लिया है। और जो शेल्टर होम, बताइए अतुल, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप बताइए कि ये तमाम लोग पहले इस बात से परेशान थे, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, अब शेल्टर होम में रखा गया, सारी सुविधाएं दे दी गई, उसके बावजूद यहां से भाग रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए,